धनंजय धड़कन के फिल्म को लेकर आ गया है बहुत ही बड़ा अपडेट। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सब इस अपडेट को सुनते ही आप सब भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ जेपी राजा, आप देख रहे हैं 4 in 1 भोजपुरी। 4 in 1 भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको बताना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन के इस बार कोई भी गाने का प्रमोशन करने के लिए हम नहीं आए हैं। इस बार डायरेक्ट उनके फिल्म को लेकर जो बहुत ही बड़ा अपडेट आया, उसी अपडेट के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप सब इस अपडेट को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाइएगा। दोस्तों, आप सबको बताना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन के अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले से उनका एक फिल्म का शूटिंग चल रहा है। आप सबको बताना चाहते हैं कि उसका क्लिप भी हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि उस फिल्म का फाइनली मुहूर्त हो चुका है। धनंजय धड़कन जी का एक और बहुत ही बड़ा फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, जबकि इस फिल्म को मंजुल ठाकुर जी के निर्देशक में बनाया गया है। दोस्तों, आप सबको बताना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन ऐसे लगभग 3 से 4 फिल्म कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारा फिल्म नाम आकर ही रह गया और कुछ फिल्म का शूट भी किया और कुछ फिल्म का शूट अभी पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं वो आप सबको पहले बता दें। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि धनंजय धड़कन एग्रीमेंट में थे एक कंपनी के माध्यम से, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वहाँ से सब चीज़ खत्म हो चुका है, विवाद भी खत्म हो चुका है, तो नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप सबको बताना चाहते हैं और आप सबको पता ही होगा कि धनंजय धड़कन जिस कंपनी से एग्रीमेंट में थे, तो एग्रीमेंट में रह के लगभग 3-4 फिल्म किए हैं, जैसे कफन तो दुपट्टा के, इसकी गलियों में, अमर प्रेम, जैसे बहुत सारा फिल्म किए हैं एग्रीमेंट में रह के। लेकिन बहुत सारे उसमें का ऐसा कोई फिल्म है जिसका शूट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ऐसा कोई फिल्म है जिसका अभी शूट पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप सबको बताना चाहते हैं कि धनंजय धड़कन वो सब जितना भी फिल्म किए हैं, आप सब पोस्टर वोस्टर भी देखे होंगे, बहुत सारे चैनल पर उसका पोस्टर भी आया था, तो वो एग्रीमेंट में रहकर वो सब फिल्म को किए हैं धनंजय धड़कन जी। और वो कंपनी वाले, जिस कंपनी से वो एग्रीमेंट थे, वो कंपनी वाले धनंजय धड़कन को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके वजह से धनंजय धड़कन जी का अभी फिल्म जो पहले वाला फिल्म सब है, जैसे इसकी गलियों में, अमर प्रेम, कफन तोड़ दुपट्टा के, जैसे ये सब फिल्म, बहुत सारे फिल्म का शूट कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत सारे फिल्म का शूट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंपनी वाले के सपोर्ट नहीं होने के वजह से धनंजय धड़कन जी कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद धनंजय धड़कन जी कैसा हूँ मैसा उस कंपनी से अपना एग्रीमेंट के तहत काम किए, और जब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो वो फिर वहाँ से निकल गए हैं। और उनके बाद उनका बहुत ही बड़ा बड़ा गाना भी आया, आप सबको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, गाना आने के बाद धनंजय धड़कन के फाइनली एक फिल्म आने वाला है, उस फिल्म का अभी नाम क्लियर नहीं हुआ और ना ही उस फिल्म में कौन सा हीरोइन काम करने वाली है, उनका भी अभी नाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं कि धनंजय धड़कन जी कैसे अपने फिल्म के मुहूर्त कर रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म का शूटिंग चालू हो गया है, शूटिंग हो रहा है इस फिल्म का, और ये फिल्म में धनंजय धड़कन जी काफ़ी बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा और कितने लोग धनंजय धड़कन के इस अपडेट से खुश है और बहुत सारे एक्साइटेड है। दोस्तों, आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि धनंजय धड़कन के ये बहुत ही बड़ा फिल्म होने वाला है, क्योंकि मंजुल ठाकुर जी के निर्देशक में ये फिल्म बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बताना चाहते हैं कि मंजुल ठाकुर जी बहुत बहुत बड़े बड़े फिल्म को इन्होंने किए हैं, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बहुत सारे फिल्म ऐसे किए हैं। भोजपुरी के बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार का भी इन्होंने फिल्म किए हैं। वहीं मंजुल ठाकुर जी धनंजय धड़कन जी के साथ में एक और बड़ा फिल्म कर रहे हैं। आप सबको जैसे उस फिल्म का नाम आएगा, यानी कि उसका फर्स्ट लुक आएगा और उस फिल्म में कौन सी हीरोइन काम करने वाली है, उनका भी नाम आएगा, तो आगे हम वीडियो के माध्यम से आप सबको सब चीज़ बता देंगे। दोस्तों, तो आप सब जुड़े रहें, ऐसे बने रहें 4 in 1 भोजपुरी के साथ। और जितने भी नए नए दोस्त आ रहे हैं हमारे चैनल पे, अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम अपडेट दें धनंजय धड़कन से रिलेटेड, भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप सभी के बीच में आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि धनंजय धड़कन का यह फिल्म जल्द ही आप सबके बीच में आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है यही फिल्म उनका सबसे जल्दी और सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से इनका फिल्म का शूट चल रहा है
और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है धनंजय धड़कन जी और धनंजय धड़कन जी का फैन सब भी। तो आप सब दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी बातों को अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप सब अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे धनंजय धड़कन के ऊपर ताकि वो आगे भी इससे बड़ा बड़ा टांडव और इससे बड़ा बड़ा भी फिल्म उनको करने का मौका मिले क्योंकि आप सब सपोर्ट कीजिएगा तभी ये सब पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं जेपी राजा फिर मिलेंगे ऐसे ही टांडव कर देने वाला अपडेट के साथ। आप सब बने रहें सबसे तेज व विश्वसनीय न्यूज चैनल 4 in 1 भोजपुरी के साथ। जय हिंद जय भोजपुरी।